ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली कूपन कोड्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे। कूपन कोड कैसे जनरेट होते हैं, डिस्काउंट कैसे जनरेट होता है। तो पहले तो वो डिस्काउंट का सेल प्राइस का जो हमने आपको प्रोडक्ट अपलोडिंग में बता दिया, वो कट होकर प्राइस आती है, वो रेगुलर प्राइस ऑफ सेल प्राइस में होती है, वो उस लेक्चर में कवर्ड है। इसके अलावा कूपन्स का मामला क्या होता है देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, समझते हैं, फिर अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब कूपन्स जो इसके अंदर मार्केटिंग के अंदर कूपन्स का सेक्शन आ रहा है, उसमें आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट योर फर्स्ट कूपन। तो इस तरह एडवांस बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो बाद में फिर कभी किसी एडवांस लेक्चर को हमने छेड़ा, बहुत ही एडवांस। और ये स्टार्टर स्मॉल साइड स्टोर्स में इसकी इतनी नीड नहीं होगी स्टार्ट में, लेकिन जब भी आपको नीड हो तो आपको पता हो कि यहाँ पे ऑप्शंस ऐसे एडवांस अवेलेबल हैं। तो कूपन कोड क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कूपन कोड लिखेंगे कि हम किसी को फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट देना चाहते हैं 10% का। ठीक है, तो कूपन कोड हमारी मर्जी का डिसाइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या महीना चल रहा है, जुलाई, तो 14 अगस्त का कूपन कोड देने जाते हैं, तो आज़ादी गुडीज़ करके अच्छा, इसमें जो है ना कोशिश करें सब कैपिटल जनरेट करें ताकि कस्टमर को पता हो कि सब कैपिटल में सबमिट करना है। केस सेंसिटिव पता नहीं होता है, नहीं होता कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, तो दो तरह के कूपन हो सकते हैं, एक फिक्स कार्ड डिस्काउंट, वो परसेंटेज डिस्काउंट हो सकता है। फिक्स कार्ड डिस्काउंट में अगर मैं इसको बोलूँगा भाई 500 रुपये का डिस्काउंट लेना है, तो जब वो ये कूपन अप्लाई करेगा उसको 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप कहना चाहें कि नहीं मुझे परसेंटेज डिस्काउंट करना है, तो इसमें आप 10 लिखेंगे तो ये 10% डिस्काउंट कर देगा मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, उसके बाद अगर आप बोलते हैं नहीं भाई मुझे फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट दे रहा है, ये क्या होता है पता नहीं, तो फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट क्या होता है इस गूगल से पूछ लेते हैं। तो सिर्फ सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स पे जो है वो फिक्स टोटल डिस्काउंट आपको मिलेगा, और कितनी अमाउंट का मिलेगा वो अमाउंट आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट अभी हमने यूज़ नहीं करना, अभी हमने परसेंटेज डिस्काउंट यूज़ करना है। अब अगर हम फिक्स कार्ड डिस्काउंट करके इसको ज़ीरो करें और फ्री शिपिंग का हम देना चाहें, तो सिर्फ टिक मार्क कर देंगे तो ये कूपन इनेबल हो जाएगा। लेकिन इसको इनेबल करने के लिए अ फ्री शिपिंग मेथड मस्ट बी इनेबल इन योर शिपिंग जोन। तो ये कैसे होगा, मतलब वो कह रहा है कि इस फीचर को यूज़ करने के लिए आपके जो शिपिंग जोन की सेटिंग्स थी ना वो कॉमर्स के अंदर सेटिंग के अंदर शिपिंग में जाकर मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा याद दिलाने के लिए, ताकि कोई चीज़ जहन में रह ना जाए। वहाँ पे एक फ्री शिपिंग का मेथड भी इनेबल होना चाहिए। ठीक है, इसको सेट करते हैं। अदरवाइज जो हमारा वो था ना परसेंटेज डिस्काउंट, वो ये था कि हम 10% डिस्काउंट के लिए हम सिर्फ परसेंटेज करके हम यहाँ पे 10 करके सेव कर देंगे। फिर एक्सपायरी हम कर देंगे भाई 14 अगस्त तक ये कूपन वैलिड है, तो अगस्त 14 तक ये कूपन वैलिड है, और इसको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद जब भी हम किसी को बोलेंगे ये वाला कूपन कोड अपने चेकआउट फॉर्म में हम सबमिट किया जाए, तो वो डिस्काउंट एप्लीकेबल कर देगा, डिस्काउंट अप्लाई कर देगा उस पर। लेकिन हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं किस पे, फ्री डिलीवरी पे, तो इसको हम जीरो ही रखेंगे। फ्री शिपिंग का हम कूपन देना चाह रहे हैं कि आज़ादी गुडीज़ कोई अप्लाई करे कूपन तो उसकी शिपिंग फ्री हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बोला था शिपिंग में जाके जो शिपिंग मेथड है या शिपिंग ऑप्शंस है उसमें फ्री शिपिंग का ऑप्शन इनेबल करना है इस चेकबॉक्स के साथ कि वो सिर्फ कूपन पे चले।
तो जाके ये वाली सेटिंग चलेगी, वरना फ्री शिपिंग नहीं चलेगा। ये यहाँ पे ये सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर हमने फ्री शिपिंग भी ओपन करनी है, फ्री शिपिंग बंद हुई हुई है। बहुत स्लो चल रहा है, बड़ी माजरत, मैं कोशिश करता हूँ इससे सेटिंग करता हूँ नेक्स्ट वीडियो से, लेकिन ठीक है। अब इस फ्री शिपिंग को इनेबल नहीं करना खाली, क्योंकि इनेबल कर दिया तो कोई भी कस्टमर टिक मार्क कर देगा। इसको इनेबल करने के साथ साथ इसको अंदर जो है ना फ्री शिपिंग रिक्वायर्स के अंदर वैलिड फ्री शिपिंग कूपन ये होना चाहिए। इसके अलावा अदर ऑप्शन आपके पास क्या हो सकते हैं कि कोई 5,000 की शॉपिंग करे उसको फ्री शिपिंग देनी है, तो मिनिमम ऑर्डर अमाउंट आप यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, 5,000 रुपये की कुछ ऑर्डर आइटम एड टू कार्ट करेगा तो शिपिंग उसकी फ्री हो जाएगी। यहाँ से ये सेटिंग आप सेव करेंगे खुद ब खुद बगैर कूपन के काम हो जाएगा, लेकिन अभी हम कूपन यूज़ कर रहे हैं तो वैलिड फ्री शिपिंग कूपन मस्ट बी अवेलेबल। और फिर हम इसको इनेबल करेंगे, फिर चेकआउट पर जाएंगे, एक सैम्पल ऑर्डर प्लेस करेंगे। सैंपल ऑर्डर प्लेस करने के बाद हम देखेंगे ऑर्डर शो कैसे होता है, ऑर्डर की डिटेल्स देखेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे, प्रोडक्ट्स देखेंगे, फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारी वेबसाइट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट या कंप्लीट ही है भाई, और क्या चाहिए इसमें। ओहो नेट मस्ता कर रहा तो रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि नेट बीच में डिसेबल हो गया था, पता नहीं कोई प्रोसेस करप्ट ना हो गया। साथ साथ ये कूपन भी हम पब्लिश कर देते हैं। अरे यार ये कूपन का पेज भी रीलोड नहीं हुआ। ठीक है, तो ये शिपिंग जोन हम सेव करके ये कर देंगे, और ये कूपन हम दोबारा सेटिंग कर लेंगे, इसकी कोई मसला नहीं है। रीलोड कर लो यार। ठीक है, आज़ादी डिलीवरी के नाम से या आज़ादी गुडीज़ के नाम से ये हमने कूपन कोड बनाया था, और इसमें हम करेंगे भाई फिक्स कार्ड डिस्काउंट 0, और ये इस फ्री शिपिंग को इनेबल कर देंगे और इसकी वैलिडिटी कर देंगे। ये कूपन वैलिड है 14 अगस्त तक, 14 अगस्त के बाद ये कूपन कोई अप्लाई करेगा तो उस पर अमल नहीं होगा, और ये हम पब्लिश कर देते हैं। फिर हमने यहाँ से ये सेटिंग सेव कर दी है जो उसने बोला था, उसके बाद हम कोई प्रोडक्ट एड टू कार्ट करते हैं। एड टू कार्ट करने के बाद हम जो है वो चेकआउट पर जाते हैं।
वो प्रोडक्ट ऑलरेडी कार्ट में है एक। ठीक है भाई, हमने एड्रेस वगैरह सब डाला हुआ है, सब कुछ सिलेक्टेड है ऑलरेडी। और हमारा ऑर्डर की टोटल अमाउंट क्या बन रही है, 3130, और उसके अंदर 170 रुपये अगर हम डिलीवरी चार्जेस लगाएं तो 3301 हो रहा है। तो भाई मेरे पास तो है 14 अगस्त का डिलीवरी का फ्री कूपन, वो कूपन जो है हम यहाँ पे सबमिट करेंगे और उसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अप्लाई करने के बाद देखिएगा यहाँ पे ये रेट शिपिंग के ये अपडेट कर देगा। ठीक है भाई, कूपन कोड अप्लाइड सक्सेसफुली, और यहाँ पे ये रेट्स अपडेट हो रहे हैं और ये फ्री शिपिंग का कूपन अप्लाई हो गया। तो 3131 जो अमाउंट बन रही थी उसके बाद फ्री शिपिंग डिलीवरी चार्जेज ऐड नहीं हुए, 3131 ही टोटल हो गया। तो अब ये ऑर्डर हम प्लेस कर देते हैं। इनवैलिड पेमेंट मेथड, तो उसके साथ फिर पेमेंट मेथड का मसला आ गया। सेटिंग फ्री शिपिंग एडिट फ्री शिपिंग दिस दिस एंड दिस, फ्लैट रेट में चल रहा है। ओ पेमेंट का जो सेटिंग थी ना कैश ऑन डिलीवरी की, उसमें कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो ये वहाँ से इनेबल हो जाएगा, क्योंकि ये इसको अलग ऑप्शन लेता है। शिपिंग अलग चीज़ होती है और पेमेंट अलग चीज़ होती है। वो तो बाहर मंगवा शिपिंग होती है कि शिपिंग के ऑप्शन आपके पास क्या क्या हो सकते हैं, बायर के ऑप्शन कुछ अलग होंगे, कुछ कोरियर लॉजिस्टिक ऑप्शन अलग होंगे, पिकअप का ऑप्शन होगा, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन होगा, तो वो शिपिंग का ऑप्शन है। पेमेंट का ऑप्शन है कि कार्ड से पेमेंट करनी है, पेपाल से करनी है, बैंक अकाउंट से करनी है, कैश ऑन डिलीवरी करनी है, तो वो शिपिंग के ऑप्शन, वो पेमेंट का ऑप्शन है। ठीक है, तो पेमेंट्स ऑप्शन में हमारे पास जो कैश ऑन डिलीवरी है, इस कैश ऑन डिलीवरी को मैनेज करते हैं। शायद इसके अंदर कोई सेटिंग ऐसी हो जो हमें अलाउ कर दे कि दूसरा जो शिपिंग ऑप्शन है हमारे पास वो भी इसके अंदर ऐड हो जाए, ताकि अलाउ हो जाए कि इस शिपिंग ऑप्शन पे इस तरह इस शिपिंग इन शिपिंग ऑप्शन पे कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा क्यों होता है, इतनी कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स क्यों हैं, थोड़ा सा आप लोगों के जहन में आ रहा होगा सवाल, वो इस वजह से कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई कोरियर इंटीग्रेट करते हैं कि एक कोरियर है जो कैश ऑन डिलीवरी नहीं देता लेकिन लोग उसे प्रेफर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई बोलता है TCS से भिजवाना है, लेकिन TCS क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी में भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो लोग उसे वॉक इन ज़्यादा प्रेफर करते हैं और वॉक इन उसका काम बड़ा स्मूथ चलता है। तो यहाँ पे आपने अगर TCS का ऑप्शन आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ TCS उनको दूँ जो मुझे एडवांस पेमेंट करें, तो फिर मैं यहाँ पे जब TCS लगाऊंगा शिपिंग ऑप्शन, तो इधर सिस्टम की सेटिंग में TCS की जो सेटिंग होगी शिपिंग की, उसके अंदर उसके जो पेमेंट होगा उसमें कैश ऑन डिलीवरी बंद करके सिर्फ एडवांस पेमेंट इनमें इनेबल करेंगे, मतलब जो बैंक की जो सेटिंग है उसके अंदर TCS इनेबल कर देंगे, तो ये आपको पेमेंट प्रोसेस अचीव हो जाएगा कि कोई भी कस्टमर बगैर एडवांस पेमेंट के TCS से पार्सल नहीं मंगवा पाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी लॉजिक्स जो आपको नीट पड़ेगी वो होगा। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, ये सेलेक्टेड करके हम सेव कर देते हैं कि इन पे इनेबल कर दे वो, और फिर इसको हम इनकॉग्निटो में चेक करते हैं क्योंकि कल भी कैशे का बड़ा मसला आ रहा था, क्योंकि यहीं पे रिफ्रेश कर देते हैं तो वरना टू कार्ड दोबारा करना पड़ेगा। कि ये फ्री शिपिंग पे इसने हमें कैश ऑन डिलीवरी इनेबल किया के नहीं किया।
फ्री शिपिंग का हम शिपिंग ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पे शो हो गया, मतलब ये प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर दिया। अब हम ऑर्डर प्लेस कर दिया और ऑर्डर सबमिट हो गया, ठीक है ऑर्डर प्लेस हो गया। ऑर्डर नंबर 1657 है, इसकी टोटल अमाउंट ये है, ये आइटम थे उसमें, ये कस्टमर को ऐसे शो हो रहा होगा, सही है कस्टमर के पास पेज है। आपके पास जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर्स के पेज पे, जिससे ये वन आ रहा है ये टू हो जाएगा अभी, क्योंकि दूसरा ऑर्डर है, कल रात को हमने इशू सॉल्व करने के बाद भी ऑर्डर प्लेस कर दिया था एक। इसके अलावा जो ईमेल आएगी वो भी मैं आपको दिखा दूँ, कस्टमर को कैसे ईमेल आएगी, आपको कैसे ईमेल आएगी। अब ये वाली जो ईमेल है ना, ये वाली, ये आपको आएगी एज एन एडमिन। अब क्योंकि एडमिन का ईमेल एड्रेस भी सेम था, कस्टमर का भी ईमेल एड्रेस सेम था इस ऑर्डर में, तो दोनों ईमेल यहाँ पे आ गई। तो एज एन एडमिन आप अगर मोबाइल में जीमेल इंटीग्रेट कर देंगे तो मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा जो भी ऑर्डर गिरेंगे। तो यहाँ पे ये जीमेल का ऑर्डर इस तरह से आपको शो होगा, पूरी डिटेल किस कस्टमर ने किया है और क्या इसकी डिटेल्स हैं और क्या उसने अप्लाई किया, फ्री शिपिंग उसने अप्लाई की थी, सब टोटल ये बना था। तो ये आपको पूरे ऑर्डर की डिटेल यहाँ पे मिल रही है। कस्टमर जो ऑर्डर करेगा उसकी ईमेल पे ये फ़ौरन ईमेल आ जाएगी कि थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, और ये आपने ये कर दिया है कि हमने आपका ऑर्डर रिसीव हो गया है, प्रोसेस कर दिया गया है, और ये उसमें ये आइटम थे, ये टोटल बिल था, और ये आपकी डिटेल है, ठीक है थैंक यू, फिर अगेन हो जाएगा, और इस तरह से ये कस्टमर को ईमेल जाएगी। आपके पास बैक एंड पे जो ऑर्डर्स आएंगे उस ऑर्डर्स में इस तरह से ये ऑर्डर शो हो रहे होंगे, तो इनके स्टेटस भी आप सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं, ओपन करके चेंज कर सकते हैं कि प्रोसेस है, शिफ्ट है, ये है, वो है, डिलीवर्ड है, रिटर्न है, कैंसिल्ड है, जो भी है, बहुत सारे स्टेटस के अंदर आ रहे होंगे, जो यहाँ पे ये स्टेटस आ रहे होते हैं। और इसके अंदर जो है वो बिलिंग डिटेल्स आ रही है, इसको भी आप यहाँ से क्लिक करके कभी एडिट करना चाहें, कोई अपडेट करना चाहें तो अपडेट कर सकते हैं। फिर साइट पे यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं कि कॉस्ट, उसकी टोटल, उसकी टोटल अमाउंट, फिर फ्री शिपिंग अप्लाई हुई वो नया शिपिंग होती है अप्लाई हो जाता, और ये ऑर्डर टोटल अमाउंट, ये जो COD अमाउंट का पार्सल आप बना के भेजेंगे वो अमाउंट यहाँ पे होगी। और यहाँ पे कुछ नोट्स वगैरह आप जो है वो सेव करना चाहें कि भाई ये फेक कस्टमर है या टेस्ट ऑर्डर है, तो अपनी याद दिलाने के लिए आप यहीं पे नोट वगैरह लगा के रह सकते हैं, कल को इन फ्यूचर कभी आप अपना ऑडिट कर रहे हो तो पुराना ऑर्डर्स का पता लग रहा हो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अपने कोरियर के ट्रैकिंग नंबर सेव कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, ये देखिए इसमें लिखा हुआ भी आ रहा है कि ये कूपन यहाँ यूज़ हो चुका है। इसके साथ 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 जो कूपन्स की हमारी लिस्ट है उसके अंदर देखते हैं कि कितनी बार ये कूपन यूज़ हुआ है, तो उसका कोई स्टेट्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ये देखें नोट्स भी यहाँ पे सेव हो गया। इसको आप नोट टू कस्टमर भी करेंगे तो शायद कस्टमर को पता नहीं ईमेल जाती है कि उस ऑर्डर में सेव होता है, इसको अभी चेक नहीं कर सकते, तो इस टॉपिक में नहीं छेड़ेंगे। अब ये देखें ये कूपन आ रहा है, ये देखें आज़ादी गुडीज़ जो है वो यूजेज एक यूज़ हो गया, ये 14 तारीख को एक्सपायर होगा, ये अभी ड्राफ्ट में यह पब्लिश नहीं हुआ, सिर्फ ये पब्लिश हुआ हुआ तो, और ये ऑटोमेटिकली स्मॉल लेटर में चला गया तो केस सेंसिटिव नहीं होगा। तो या आप कूपन की मार्केटिंग करें, कुछ भी करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस सेक्शन में अपने कूपन यूज़ करना भी सीख लिए हैं, ऑर्डर प्लेस होकर ऑर्डर देखना भी सीख लिए हैं, ईमेल्स वगैरह सब हम इंटीग्रेट कर चुके हैं। तो एक बार वेबसाइट की शक्ल देखते हैं क्या फाइनल हुआ है क्या नहीं हुआ, क्या बना लिया हमने, क्या से क्या, कुछ भी नहीं था जब हमने ये लेक्चर शुरू किया था, ऐसी कोई वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती थी, ऐसा कोई डोमेन एग्जिस्ट नहीं करता था, ऐसे कोई प्रोडक्ट्स उस पर अवेलेबल नहीं थे, ऐसे कोई फीचर्स उस पर अवेलेबल नहीं थे, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था। ये पूरा मैकेनिज्म हमने इन छोटी सी वीडियो सीरीज़ में हमने शुरू से आखिर तक इन डेप्थ अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिया है। अब इसमें ठीक है, खूबसूरत से लोगो, हेडर, कार्ड, ये वो, स्लाइडर, बैनर्स, टाइटल, बिल्डर, प्रोडक्ट्स, सेटिंग, डिस्काउंट सेटिंग, शॉप का पेज, और बहुत सारे इश्यूज हमने सॉल्व किए, फोटर बनाया, फोटर में चीज़ें ऐड की, व्हाट्सएप को प्लगइन ऐड किया, सपोर्ट नंबर ऐड किया, सब कुछ किया,
और हमारी वेबसाइट रेडी हो चुकी है, ठीक है, काफ़ी है, अच्छी खासी वेबसाइट बन चुकी है। और ये ऑन क्लिक पे फिर वही कर रहा है कि वर्क नहीं, रिडायरेक्ट कर दिया उसने खुद ही सही है, इशू भी सॉल्व कर दिया था हमने। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है, आपकी वेबसाइट अलहमदिल्ला कंप्लीट हो चुकी है, उम्मीद है एक रिव्यू भी शायद हम वीडियो बना लें रिवीजन की, इसके बाद आपको सारे कॉन्सेप्ट एक जगह सब मिल जाएंगे तो आपका जहन और सॉर्टेड हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा झंझट फील नहीं होगी कि इतनी सारी चीज़ें पता नहीं क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा क्या मिक्स हो गया, कोशिश करेंगे उसको भी कवर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।